गुड मॉर्निंग, मैं पारुल वर्मा आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूना पैक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। पूना पैक्ट एक एग्रीमेंट था जो मोहनदास करमचंद गांधी और भीमराव रामजी अंबेडकर, बेटर नोन एज बाबा साहेब अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल, पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट एक एग्रीमेंट था जो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था डिप्रेस क्लास को लेकर। पूना पैक्ट साइन हुआ था 24 सितंबर 1932 येरवड़ा सेंट्रल जेल पूना में। इसे साइन किया था अंबेडकर जी ने डिप्रेस क्लास के बिहाफ पर और मदन मोहन मालवीय जी ने अपर क्लास के बिहाफ पर। पूना पैक्ट साइन हुआ था क्योंकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आर मैकडॉनल्ड ने डिप्रेस क्लास के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया था और गांधी जी इसको अपोज कर रहे थे, जिसकी वजह से वे एक आमरण अनशन पर बैठे थे जिसको ख़त्म करने के लिए पूना पैक्ट साइन किया गया था। नाउ बैकग्राउंड ऑफ द पूना पैक्ट। अगस्त 16, 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आर मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया था, जिसमें उन्होंने डिप्रेस क्लास, मुस्लिम, यूरोपियन, सिख, एंग्लो इंडियन और इंडियन बेस्ड क्रिश्चियंस को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट एक सिस्टम होता है जिसमें एक सिंगल कम्युनिटी को कुछ सीट्स अलॉट की जाती हैं लेजिस्लेचर में और सिर्फ उसी कम्युनिटी के मेम्बर्स को वोट देने का अधिकार होता है और वह अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। महात्मा गांधी जी इसके खिलाफ थे और वे नहीं चाहते थे कि डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, क्योंकि उनको मानना यह था कि जो डिप्रेस क्लास है वो हिंदू कास्ट का ही एक भाग है। अंबेडकर जी इसके फेवर में थे, वे चाहते थे कि ऐसा हो क्योंकि डिप्रेस क्लास की इससे अपलिफ्टमेंट होगी। कई सारे सीरियस नेगोसिएशंस के बाद गांधी जी और अंबेडकर जी पूना पैक्ट के लिए एग्री हुए थे। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ पूना पैक्ट। कई सारे नेगोशिएशंस के बाद जब महात्मा गांधी और अंबेडकर जी एग्री हुए कि डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, तो उन्होंने यह माना कि उन्हें जॉइंट इलेक्टोरेट से इलेक्ट किया जाएगा। पूना पैक्ट में उन्हें 147 रिजर्व सीट्स मिली, जबकि कम्युनल अवार्ड में उन्हें 71 रिजर्व सीट्स मिल रही थी। पूना पैक्ट ने यह भी अश्योर किया कि डिप्रेस क्लास को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलेगी पब्लिक सर्विस में, और महात्मा गांधी जी का ये भी मानना था कि पूना पैक्ट से जो डिप्रेस क्लास है उनका अपलिफ्टमेंट होगा और जो पूना पैक्ट है वो कंट्री को मॉरली रिस्पॉन्सिबल बनाएगा डिप्रेस क्लास को अपलिफ्ट करने के लिए। सो दैट वॉज ऑल अबाउट पूना पैक्ट। थैंक यू।